साथ एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। ड्रीम इन माइंड, प्लान ऑन पेपर, डू इन एक्शन सक्सेस को पाने की सिंपल स्ट्रेटेजी है। हमारे ड्रीम को ट्रू करने की एक सिंपल प्रोसीजर है। जब हम अपने माइंड में ड्रीम देखते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हमें उसके रिगार्डिंग प्लान्स तय करने होते हैं। वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से काम किस तरीके से कब करने होंगे, इन सभी का प्लानिंग पेपर पर करना है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डू। उस प्लानिंग को अब हमें एक्शन में लाना है, बस सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के फीचर्स, मैरिट, डीमेरिट्स वाले हमारे प्रीवियस वीडियो के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 45 में इसका मीनिंग दिया गया है, जिसके मुताबिक ए गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट और जॉइंटली बाय द सेंट्रल स्टेट और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। इट इज फाउंड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। हमने जब फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर पढ़ा था तभी वहां पर भी कंपनी के जो टाइप की चर्चा हमने की थी, वहां पर भी हमने कहा था किसी भी कंपनी को फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 अभी लागू है। यहां पे गवर्नमेंट कंपनी को भी ये रूल लागू पड़ता है, पर गवर्नमेंट कंपनी में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल, कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसमें से 50% या तो मोर देन 50% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों की या तो मोर देन स्टेट गवर्नमेंट्स की मालिकी की होती है। इसका मतलब ये वो कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत किया जाता है और जिसका 50% या तो मोर देन 50% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के किसी भी फॉर्म में से होता है। अब गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स के साथ इस कंसेप्ट को हम इजीली समझते हैं। फर्स्ट वन, क्रिएटेड बाय द कंपनीज एक्ट। जैसे प्राइवेट कंपनी का क्रिएशन कंपनीज एक्ट के द्वारा होता है, वैसे ही यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट के द्वारा इसका क्रिएशन होता है और इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही एक्टिविटीज को शुरू किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन, इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस होते हैं इसका यहाँ पर भी पालन करना होता है, पर गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट रिलेटेड टू एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन के रिलेटेड गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्ट करती है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। सेकंड वन, रूल्स। हमको मालूम है कि कंपनी के रूल्स कहाँ होते हैं, एमओए एंड एओएम। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर भी ये सब बनाना होता है, प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, पर वो सब गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है एंड कैन नॉट बी चेंज, एंड वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गवर्नमेंट बनाती है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब हमने देखा था, फिर भी हम रिवाइज करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के लिए होते हैं, मतलब कंपनी के जो आउटसाइडर होते हैं जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंकर्स, उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन से, उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन से वो यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इनसाइडर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के एम्प्लॉई, स्टाफ, उस सभी के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे दर्शाए जाते हैं, तो ये सब जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। थर्ड वन, कॉर्पोरेट बॉडी, लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी भी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, लीगल एंटिटी है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से वो सेपरेट है। जैसे हमने देखा था प्राइवेट कंपनी में भी कि ओनर्स एक अलग बात है
और कंपनी एक अलग बात है, दोनों अलग है, दोनों सेपरेट है। वैसे भी यहाँ पर भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों सेपरेट है। परचेज सेल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। फाइल एस्यूट कैन बी सूट, किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही यहाँ पर भी गवर्नमेंट कंपनी काम करती है। फोर्थ वन, फंडिंग। जैसे कि हमने आगे देखा, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल या स्टेट या दोनों जॉइंटली 50 या तो मोर देन 50% शेयर कैपिटल एक्वायर करती है तो उसकी ओनरशिप होती है, और उसके अलावा 49% जो होते हैं वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं। इसीलिए नॉन एस मिक्स्ड ओनरशिप कंपनी, इसीलिए ये गवर्नमेंट कंपनी मिक्स्ड ओनरशिप कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। बट द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनीज आर नॉट डिपोजिटेड इन टू ट्रेजरी। हमने आगे समझा था कि गवर्नमेंट के द्वारा जब एलोकेशन होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जब फंडिंग की जाती है, तब उसकी रेवेन्यू भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट की जाती है। पर यहाँ पर 51% गवर्नमेंट का होते हुए भी इसकी इनकम को ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं किया जाता। फिफ्थ वन, मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से होता है ये समझते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग की जो भी पैटर्न होती है उसके रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि किसका कितना शेयर है उसकी पैटर्न को देखते हुए गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, एम्प्लॉय इट्स ऑन स्टाफ। और ये लोग अपने स्टाफ को अपने तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट के कोई भी रूल चलते नहीं है। सिक्स्थ वन, फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल। फ्री फ्रॉम बजेटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के ऊपर जो भी बजट अकाउंटिंग ऑडिट के कंट्रोल है वो यहाँ पर लागू नहीं होते। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑडिट का अकाउंटिंग का कुछ भी आपको करना ही नहीं, नहीं, इसका मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जो रूल लागू होते हैं वो रूल यहाँ पे लागू नहीं होते। यहाँ पे जनरली प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज पर जो भी रूल्स लागू होते हैं वही रूल्स यहाँ पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा ऑडिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा परसेंटेजेस है तो यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपना ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की में ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि पार्लियामेंट को गवर्नमेंट कंपनी ने अकाउंटेबल होना है, यानी कि आपको पार्लियामेंट में जवाब देना होता है। शॉर्ट में गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट समझे तो पहला है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट हो या दोनों कंबाइंड हो, मतलब मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होती है। फिर भी रेज्ड कैपिटल थ्रू मार्केट, इसके अलावा जो कैपिटल होती है वो मार्केट में से ये रेज कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो इसका मैनेजमेंट देखता है, सारे रूल्स रेगुलेशन को सेट करता है, फिर भी ये अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट कंपनी, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। एक बात जरूर कहूंगी, अगले सारे वीडियो, बिजनेस स्टडीज के सारे वीडियो आप रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे आगे के जो जो कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद सीवेक एकेडमी। थैंक यू।